अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। समय कम है, मैं दो चार बातें आपके सामने रखूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय एसएससी एडमिशन का जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं वो लुहार हूं जो लोहे को काटता हूं और उसे तराज के हथियार बनाता हूं। मेरी लड़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे उन सब परिवार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है जो दलित वर्ग है, चाहे वो ओबीसी का साथी है, एससी एसटी का साथी है, चाहे वो परमानेंट का मिला इम्प्लाई वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहा है, चाहे वो स्थायी है, ठेकेदार के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है। अगर कहीं से भी हमें कोई खबर हमारी एसोसिएशन को मिलती है तो साथियों उससे और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम अपने अधिकार को वापस आने दे सके। उन अधिकारों का तहत उन सभी अधिकारों को धमकाने के और उनसे मनवाने का पूरी ताकत के साथ ये अधिकार रखे साथियों। बाबा साहब की ताकत से आज अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर कोई एसोसिएशन का नाम घुसता है तो वहां पे एस सी एस टी कर्मचारी एसोसिएशन का नाम घुसता है। वहां पे अगर कोई डरता अधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय का तो एस सी एस टी के कर्मचारियों के अधिकार से घटता है साथियों। ऐसी ताकत बाबा साहब के दिए हुए हथियार से, बाबा साहब के दिए हुए उन सारे नियमों से हम अपने समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं तो ये कहूंगा मंच आसीन सभी प्रमुख जनों को कि जो आज ये एस सी एस टी ओबीसी और ये वॉलंटियर वाला जो मंच तैयार किया है इसे सही तरह से सही मुकाम तक ले जाने के लिए मंच में आसीन मेरे सभी सम्मानी आदरणीय गुरुजनों को मैं कह रहा हूं कि कार्यक्रम तो कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा जो हमने आज डिसाइड की है इस सारे समाज को मिलाने की क्या हम उस पर अपनी चर्चा अपनी तैयारी कर रखे क्या ये सोच।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।